देखो यार, वेब सीरीज बहुत बड़ी बड़ी होती है और उन्हें टाइम देने का मतलब सिर्फ तभी बनता है अगर हमें उसमें कुछ बहुत अच्छा कंटेंट मिले। तो इस वीडियो में हम ऐसी 10 वेब सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया तो वो सीरीज इसमें ऐड नहीं की है। और हाँ, ये 10 सीरीज सॉर्ट आउट तो मैंने किए, लेकिन रैंकिंग प्योरली IMDb रेटिंग के हिसाब से की गई है, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो बस इंट्रोडक्शन को करते यहीं पे समाप्त और अभी अपना डायलॉग, तो चलो शो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे 7.4 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज इलाइट विद 4 सीजन 8 एपिसोड्स ईच अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। कहानी है तीन दोस्तों की जिन्हें स्कॉलरशिप के बेसिस पे स्पेन की सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में एडमिशन मिलती है। शुरुआत में वहाँ के बच्चे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले जाता है इनमें नाराजगी, ईर्ष्या, सेक्सुअल डिजायर और लाइफस्टाइल को लेकर झगड़े होते रहते हैं और इसी बीच एक मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने किया वो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और हाँ, ये सिर्फ फर्स्ट सीजन की स्टोरी है, जैसे जैसे इसके नए सीजन आते जाते कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। नंबर 9 पे है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ 13 रीजंस वाई विद 4 सीजन 13 एपिसोड्स ईच, जिसमें हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। तो भाई लंबी तो है ये सीरीज। कहानी एक लड़के के अराउंड रिवॉल्व होती है जिसके पास हैना बेकर नाम की एक लड़की सुसाइड करने से पहले एक टेप छोड़ के चली जाती है, जिसमें वो बताती है कि उसने सुसाइड क्यों किया और इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये सीरीज अपनी स्टोरी के साथ साथ सोशल इश्यूज पे भी फोकस करती है, जिसके वजह से हम इमोशनली कैरेक्टर्स से अटैच हो जाते हैं। सीरीज थोड़ी लंबी है लेकिन आपके दिमाग पे इम्पैक्ट जरूर करेगी। आई थिंक यू बीन कीपिंग सीक्रेट्स। आर यू रेडी टू लेट दोस सीक्रेट्स आउट। इसके बाद है 7.7 IMDb रेटिंग के साथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज यू अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं विद 10 एपिसोड्स ईच। एक बुक स्टोर मैनेजर एक राइटर के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे खुश रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स के इमोशंस आपको लास्ट तक हुक करके रखेगी और सीरीज की एंडिंग इस प्रकार से की गई है कि आपको वो बहुत समय तक याद रहेगी। Neither one of you is going to kill your spouse. You're many things, but you are not murderer. Till death do us part. नंबर 7 पे है एकदम धासू और एक्शन से भरपूर 7.7 IMDb रेटिंग के साथ सी अवेलेबल ऑन एप्पल टीवी। सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके और भाई साहब, अगर ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती ना, तो अब तक तो इसने तबाही मचा दी होती। इसमें एक पोस्ट एपोकैलिप्स दुनिया दिखाई गई है जिसमें सब लोग अंधे होते हैं और अगर कोई आंखों के साथ पैदा होता है तो उसे मार दिया जाता है, लेकिन अपने भारी भरकम और तगड़े शरीर वाले भाई साहब जेसन मोमोआ के बच्चे देख सकते, उन्हें दृष्टि होती। और अभी ये अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं उसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। नेक्स्ट है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ फैंटेसी ड्रामा सीरीज लूसीफर अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अब तक सिर्फ 3 ही सीजन देखे। लूसीफर शैतानों के दुनिया का राजा है, लेकिन वो वहाँ बहुत नाखुश और बोर हो जाता है तो वो अपने आप को रिलोकेट करता है लॉस एंजलस में। एक तो पता नहीं कि हर किसी को US में ही क्यों जाना होता है, लेकिन जो भी हो भाई साहब की अपनी मर्जी है। तो वहाँ पे जाके वो एक नाइट क्लब खोलता है, लेकिन अपने आप को एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पाता है जहाँ पे लेयर बाय लेयर मिस्ट्री आगे बढ़ते चली जाती है और हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ते चले जाता है। सीरीज लंबी है तो अच्छा खासा टाइम निकाल के ही इसे चालू करना। नंबर 5 पे तो तहलका है भाई,
बहुत ही कम समय में इस सीरीज ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। यह 8.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ साउथ कोरियन सीरीज स्क्विड गेम अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। इस सीरीज के बारे में क्या ही बताना यार, मतलब लगभग हर किसी ने इसे अब तक देख लिया होगा। फिर भी कहानी ऐसी है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी अपने अपने प्रॉब्लम्स होती है और उससे उभरने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सब लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं, जहाँ जीतने वालों को पैसे मिलेंगे और हारने वालों को मार दिया जाएगा। ये सीरीज हमारे सामने सोसाइटी के कुछ कड़वे सच भी रखता है, जिसके वजह से हम इस सीरीज से अटैच्ड फील करते हैं। नंबर 4 पे 8.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज विचर अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और दूसरा इसी साल दिसंबर में आने वाला है। तो अगर तुम लोग उन लोगों में से हो जो ट्रेंडिंग सीरीज देखना पसंद करता है तो इसे अभी देख लो, सेकंड सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। कहानी अब तक बहुत आगे नहीं बढ़ी है, बस इतना बताया गया है कि अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग टाइमलाइन में स्टोरी दिखाई गई है और किस तरह उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ है। बहुत लोग इसे गेम ऑफ थ्रोन से भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट सीजन के बारे में तो बस इतना ही कह सकते कि राइटिंग और स्टोरी बहुत बढ़िया है, एक्शन भर भर के, और फर्स्ट सीजन कंप्लीट करने के बाद आगे की स्टोरी क्या होगी इसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 पे सीधा 8.3 आईएमडीबी रेटिंग के साथ क्राइम एक्शन ड्रामा सीरीज प्रिजन ब्रेक अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं, टोटल 90 एपिसोड। कहानी बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ तो दो भाई है जिनमें से एक जेल में और दूसरा उसे छुड़ाना चाहता है। इस सीरीज की मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी कि हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी बोर नहीं होगा। स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया है कि वो आपको इस सीरीज से बांध के रखेगा। साथ में अपना प्रोटैगोनिस्ट जिस तरह हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपना दिमाग एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। प्लस इसे बूस्ट करते इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो देखकर सच में एकदम अंदर से वाव मोमेंट वाला फील आ जाता है। नंबर 2 पे 8.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ क्राइम ड्रामा थ्रिलर ओजार्क। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा अगले साल जनवरी में आने वाला है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसकी स्टोरी में आपको थोड़ी सी भी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहानी सस्पेंस से भरपूर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई की आपको सीरीज थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन पेशेंस रखना क्योंकि उसके आगे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, और स्पेशली सीजन 3 की एंडिंग जो लिटरली हमें शॉक करके रख देती है। नंबर 1 पे सीधा 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ वाइकिंग्स, जिसके अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं और स्टोरी खत्म हो चुकी है। इस सीरीज को भी गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन कहानी उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स है, तो कभी तुम जिन्हें पसंद करते हो वो मरेंगे, तो कभी तुम जिन्हें ना पसंद करते हो वो। वॉर सिक्वेंसेस बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी सभी एक से बढ़कर एक है। तो बस चलो वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।